हिंदू मंदिरों को सबसे ज्यादा आजाद हिंदुस्तान में किसी ने तोड़ तुड़वाया अपने शासन काल में, नरेंद्र मोदी है। गिरिराज सिंह जी केंद्रीय मंत्री हैं, आपने गोडसे को भारत माँ का सपूत कह दिया। तो गोडसे अगर भारत माँ का सपूत है तो बीरप्पन भी है, दाऊद इब्राहिम भी है, चंबल का डकैत सब भी है। 23 जून है, पंचमी दिन है पंचांग से, बड़ा शुभ दिन है वह, और उस दिन यह बैठक आयोजित की गई है। पटना सिटी अरोड़ा हाउस में जदयू पटना महानगर कार्य समिति की बैठक की गई। इस बैठक की अध्यक्षता पटना महानगर के अध्यक्ष मोहम्मद आसिफ कमाल ने की। मुख्य अतिथि के रूप में MLC एवं प्रदेश मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार एवं बिहार प्रदेश महासचिव सह मुख्यालय प्रभारी चंदन सिंह थे, प्रमंडल प्रभारी संतोष दास पांत हैं। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जदयू के सभी प्रखंड सेक्टर एवं सभी वार्डो को संगठित सुदृढ़ एवं मजबूती प्रदान करना है। इस बैठक में पटना महानगर के सभी प्रखंडों के अध्यक्षों, सेक्टर अध्यक्षों एवं वार्ड अध्यक्षों ने पुरजोर तरीके से भाग लिया। इसके अतिरिक्त सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। अध्यक्षता आसिफ कमाल ने की। वहीं अतिथियों का स्वागत प्रवक्ता अनंत अरोड़ा ने किया। संचालन राजकुमार पटेल, विकी निषाद ने किया। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता ने संगठन मजबूती पर ध्यान देने पर बल दिया। 15 तारीख को सभी ब्लॉक पर धरने पर उपस्थित रहने का दिशा निर्देश दिया गया। वहीं बताया गया कि 2024 में महागठबंधन 40 सीट जीतेगी। 23 तारीख को पूरे हिंदुस्तान से सभी प्रमुख नेता नीतीश जी की अगुवाई में पटना में जुटेंगे और यह बैठक ऐतिहासिक होगी। मुख्यालय प्रभारी चंदन ने संगठन को धारदार बनाने पर बल दिया। प्रमंडल प्रभारी संतोष दास ने बताया कि JDU का संगठन बहुत मजबूत धारदार है। वहीं अध्यक्ष आसिफ कमाल ने बताया कि कार्यकर्ता मेरी ताकत है। प्रवक्ता अनंत अरोड़ा ने बताया कि 2024 में महागठबंधन में 40 सीटों पर जीत का परचम लहराएंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अध्यक्ष आसिफ कमाल, प्रवक्ता अनंत अरोड़ा, राजकुमार पटेल, शैलेंद्र मंडल, बिक्की निषाद, गुड्डू पाठक, राम प्रवेश, सविता नटराजन, मनोज कुशवाहा, प्रवीण चौधरी, संजीव कुशवाहा, मुकेश ठाकुर, संतोष अग्रहरी, अंजनी पटेल, प्रमोद कुशवाहा, पंकज कुशवाहा आदि उपस्थित थे। सौर भारत की ओर से राकेश रंजन की एक रिपोर्ट। गैर भाजपा दलों की एकजुटता, अब उसकी गूंज तो महाराष्ट्र तक सुनाई पड़ रही है, केरला तक सुनाई पड़ रही है, उत्तर पूर्व के राज्यों तक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो स्वाभाविक है, 23 जून है, पंचमी दिन है पंचांग से, बड़ा शुभ दिन है वह, और उस दिन यह बैठक आयोजित की गई है। तो हम समझते हैं कि वो उस कलंक की गाथा जो देश के अंदर में भारत माँ के मंदिर को तोड़ने का कलंक जो आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार पर लगा है, हिंदू मंदिरों को सबसे ज़्यादा आज़ाद हिंदुस्तान में किसी ने तुड़वाया अपने शासन काल में, वो नरेंद्र मोदी हैं। तो स्वाभाविक है, एक वैकल्पिक राजनीति का मार्ग प्रशस्त होगा। आपके यहाँ बिखराव की स्थिति दिख रही है भाजपा का साथ करना, कि महागठबंधन सक्सेस नहीं हो रहा है, तो क्या बताऊँ? यही लोग अपना जन्मपत्री दिखवाए थे 2015 में, तो नरेंद्र मोदी जी को 52 सभा में बैक टू पेविलियन जाना पड़ा था। भाई आप धीरेंद्र शास्त्री से मिले होंगे, अब अपना अपना जन्म कुंडली दिखवाए होंगे तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन बिहार की जनता की जो जन्म कुंडली है उसके हिसाब जो राशि बनता है हिंदू पंचांग के अनुसार, तो नीतीश कुमार का कोई विकल्प अभी नजर नहीं आता है। हाल में गिरिराज सिंह के बयान से अभी जो बयान दिया हमें कितना संतुष्ट है? नहीं, अब गिरिराज सिंह जी केंद्रीय मंत्री हैं, आपने गोडसे को भारत माँ का सपूत कह दिया। तो गोडसे अगर भारत माँ का सपूत है तो बीरप्पन भी है, दाऊद इब्राहिम भी है, चंबल का डकैत सब भी है, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का हत्यारा होगा, जो राष्ट्रपिता के मुंह से हे राम निकलता हो, ये कैसे नकली राम भक्त हैं। और हम यह कहना चाहते हैं कि आदरणीय गिरिराज सिंह जी आपकी नुमाइंदगी जिसकी कर रहे हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी को कलेजा में दम है तो वह दुनिया के अंदर जा करके यह कहे कि हम गोडसे की धरती से आए हैं। हम तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अगर वीरप्पन जैसे लोग, अगर दाऊद इब्राहिम जैसे लोग, गोडसे जैसे लोग अगर भारत माँ के सपूत हैं तो शहीद आजम भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां क्या है? ये भारत माँ के इतिहास को कलंकित करने वाला बयान है। अच्छा सर, सम्राट चौधरी का हमेशा एक बयान आते रहा है, यह बुरेठा हम तब चलेगा जब तक, जब नीतीश कुमार के राजनीतिक दृष्टि में मिला दे। देखिए, हम कोई चिकित्सा विज्ञान के विद्यार्थी नहीं हैं, लेकिन इतना हम जानते हैं कि 24 घंटा कोई मुरेठा बांधेगा, आई हीट वेव 43-44 चल रहा है, गंदगी उसमें फैल जाएगा, तो जब दिमाग में गंदगी फैलेगा तब भाषाई रूप से विकृत हो जाइएगा। तो हम जो मुख्यमंत्री जी पर ये पुल के संबंध में आरोप लगा रहे हैं, तो मैं तो कह रहा हूँ कि माननीय सम्राट चौधरी जी, आप पंचायती राज के मंत्री रहे हैं, तो पंचायत के अंदर में अगर घर गली नली टूटा है तो आप उस नाला में मुँह डालिएगा कि नहीं?
कब डालेगा, पूर्णिमा को कि अमावस्या को कि अष्टमी को कि नवमी को, यह बिहार की जनता को बताइए। आप पंचायती राज के मंत्री रहे हैं तो आप गली नली में अगर कहीं टूट हुआ है तो उसके आप जिम्मेवार हैं, तो उस गली में अपना मुंह डाल कर करके पगड़ी सहित डाल लीजिएगा तो और गंदगी चढ़ेगा तो और भाषा विकृत होगी। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज, जगमोहन लाल शिव रतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।